सरदारपुर की ग्राम पंचायत त्रिगनौद में कुल 14 महिला पंच निर्वाचित होने के बावजूद मंच पर मात्र 9 महिला पंच सरपंच सहित दिखाई दे रही है। इस अनुमान से देखा जाए तो 7 महिला पंच मंच पर मौजूद नहीं है। शपथ ग्रहण के दौरान सरपंच सहित कुल 9 महिला मंच पर उपस्थित रही। ग्राम पंचायत रिगनौद के वार्ड क्रमांक 7 की महिला पंच कुसुमपति गोपाल पाटीदार ने मीडिया के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जिस प्रकार से यह शपथ ग्रहण करवाई गई है, यह नारी शक्ति का अपमान है। इधर इस पूरे मामले में नोडल अधिकारी अंकित चौहान से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि महिला पंच समय पर पंचायत में उपस्थित नहीं हुई थी, इसलिए उनके पतियों ने शपथ ली है। जबकि महिला पंच कुसुम पाटीदार ने कहा कि उन्हें कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण वे ग्राम पंचायत नहीं गई। सरदारपुर से जगदीश मारू की रिपोर्ट। 4 अगस्त को हमारे ग्राम पंचायत रिंगनौद में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। मैं वार्ड क्रमांक 7 की 9 निर्वाचित पंच हूँ। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत की ओर से मुझे शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होने के लिए कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ और ना ही किसी एजेंडे पर हस्ताक्षर करवाए गए। वार्ड वासियों के द्वारा निर्वाचित महिला पंच को पंचायत कर्मियों के द्वारा सम्मान नहीं दिया जाएगा तो ऐसे लोग गांव की महिलाओं का सम्मान किस प्रकार कर पाएंगे? यह नारी शक्ति का अपमान है तथा महिला पंच को शपथ नहीं दिलवाकर निर्वाचन प्रणाली का भी उल्लंघन किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।